वैदिक ज्योतिष के मुताबिक जब पुष्य नक्षत्र गुरुवार के दिन पड़ता है तो गुरु पुष्य योग बनता है। गुरु पुष्य योग सबसे शुभ योगों में से एक माना गया है। इस दिन सभी शुभ काम किए जा सकते हैं। इस शुभ दिन पर भक्त भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं और आशीर्वाद भी मांगते हैं। वहीं इस वीडियो में आइए जानते हैं कि आखिर गुरु पुष्य योग का मतलब क्या है। ज्योतिषाचार्यों की माने तो कुल 27 नक्षत्र और 12 राशियां हैं। पुष्य 27 में से 8वें नक्षत्र में से एक है। पुष्य नक्षत्र एक पोषणकर्ता को संदर्भित करता है और जो लोग इस नक्षत्र के तहत पैदा होते हैं वो शक्तिशाली, ऊर्जावान, आध्यात्मिक, जानकार और समझदार होते हैं। इस नक्षत्र पर बृहस्पति और शनि का शासन होता है, जो एक अच्छा संयोजन है। जिस दिन गुरुवार के दिन बृहस्पति पुष्य नक्षत्र में आता है तब ये शुभ योग बनाता है, जिसे गुरु पुष्य योग के नाम से जाना जाता है। इसका वैदिक ज्योतिष में बड़ा ही महत्व है। जो लोग इस विशेष दिन पर सत्यनारायण कथा करते हैं उनके लिए ये पुण्यदायी रहेगा। वहीं गुरु पुष्य योग के दौरान किया गया कोई भी काम या कार्यक्रम लाभकारी ही होता है और इसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।